ब्राजील के सबसे बड़े महानगर रियो डी जेनेरियो में 5 अगस्त से शुरू हुए 31वें ओलंपिक खेलों का समापन हो गया है। आईओसी के अध्यक्ष थॉमस बाक ने माराकाना स्टेडियम में टोक्यो में 2020 में मिलने के वादे के साथ इन खेलों का समापन किया। टोक्यो को 2020 ओलंपिक खेलों की मेजबानी दी गई है और उसने अपने प्रधानमंत्री शिंजो अबे के नेतृत्व में 32वें ओलंपिक खेलों की तैयारियों की अपनी झलक पेश की। बाक ने इस दौरान रियो के मेयर एडवर्ड रे पेस से ओलंपिक झंडा लेकर टोक्यो की मेयर यूरिकी कोइके को सौंपा। ब्राजील ने समापन समारोह में 60,000 दर्शकों की मौजूदगी में अपनी रंगारंग संस्कृति विविधता का परिचय दिया। इस दौरान टोक्यो ने भी पूरी दुनिया को टोक्यो 2020 ओलंपिक के लिए आमंत्रित किया। रियो में बीते 16 दिनों में दुनिया भर के 206 देशों और क्षेत्रों से आए 10,000 से अधिक एथलीटों ने शानदार ओलंपिक भावना के साथ अपने फन और हुनर का प्रदर्शन किया। अमेरिका ने एक बार फिर ओलंपिक खेलों में अपनी श्रेष्ठता साबित करते हुए सबसे अधिक 46 स्वर्ण जीते। वह एकमात्र देश रहा जिसके पदकों की संख्या 100 के पार गई। अमेरिका ने कुल 121 पदक जीते। ब्रिटेन ने 27 स्वर्ण के साथ दूसरा स्थान और चीन ने 26 स्वर्ण के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। इस साल का खास आकर्षण शरणार्थी टीम रही जिसने आईओसी के झंडे तले ओलंपिक में हिस्सा लिया। पूरी दुनिया ने इस टीम को प्यार दिया और इसी प्यार और सम्मान की बदौलत इस टीम ने एक स्वर्ण और एक कांस्य हासिल किया और पदक तालिका में भारत जैसे कई देशों से ऊपर रही। रियो में कुल 78 देशों ने पदक जीते। जहां तक भारत की बात है तो उसने इस साल कुल 2 पदक जीते। रजत महिला बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने जीता जबकि कांस्य महिला पहलवान साक्षी मलिक ने हासिल किया। भारत ने लंदन में 6 पदक जीते थे। भारत को इनमें से 67वां स्थान प्राप्त हुआ।